भारत ने अमेरिका से 31 ऐसे ड्रोन खरीदने का सौदा किया है जिससे माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। इन ड्रोन्स का नाम है MQ-9B ड्रोन, जिन्हें आम भाषा में प्रेडेटर ड्रोन भी कहते हैं। प्रेडेटर का मतलब है शिकारी। अपने नाम के मुताबिक ही प्रेडेटर ड्रोन आसमान के काफी ऊंचाई पर घंटों तक घूम सकता है। इसके अलावा इसे ट्रैक करना भी काफी मुश्किल समझा जाता है। इन ड्रोन्स को जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल्स बनाती है, जिसे मानव रहित एरियल सिस्टम बनाने के लिए जाना जाता है। इस कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक ये ड्रोन खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने और जासूसी करने के काम आते हैं। कंपनी के मुताबिक सैटेलाइट की मदद से उड़ने वाले ये ड्रोन किसी भी तरह के मौसम का सामना कर सकते हैं। इसके साथ ही ये दिन हो या रात 40 घंटों तक आसमान में उड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये आसमान में किसी कमर्शियल प्लेन की तरह हजारों फीट की ऊंचाई में भी उड़ सकते हैं। इनकी रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बताई गई है। इस ड्रोन का विंग स्पैन यानी इनकी पंखुड़ियों का फैलाव 24 मीटर तक है। ये ड्रोन अपने साथ 2155 किलो तक का भार उठा सकते हैं, यानी किसी भी आपदा की स्थिति में इन ड्रोन के जरिए उन जगहों पर राहत सामग्री पहुंचाई जा सकती है जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, युद्ध जैसे हालात में इन ड्रोन में पेलोड के तौर पर मिसाइल भी रखी जा सकती है। इन 31 MQ प्रेडेटर ड्रोन के लिए भारत और अमेरिका के बीच 32,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। इस समझौते में देश के भीतर ही इन ड्रोन का रखरखाव और मरम्मत भी शामिल है। समझौते के तहत 15 ड्रोन भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे, जबकि 8-8 ड्रोन भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि ये ड्रोन चेन्नई के पास INS रजली नेवल एयर स्टेशन, गुजरात के पोरबंदर और उत्तर प्रदेश के सरसावा और गोरखपुर में तैनात किए जाएंगे।